आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों आशा करता हूँ कि प्रभु में आप सब खुश होंगे। दोस्तों आज का विषय है आपके मुंह से निकले शब्द प्रभावशाली है। वचन देखेंगे हम नीति वचन 18:21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। दोस्तों आप सभी को जय मसीह के। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु की स्तुति हो क्योंकि वो भला है। दोस्तों आपके मुंह से निकला एक एक शब्द प्रभावशाली है। जो शब्द आप विश्वास के द्वारा बोलते हैं वो शब्द प्रभावशाली होते हैं। आशीष और श्राप दोनों आपके शब्द में है, ये आपके ऊपर है। आप अपने शब्दों के द्वारा आशीष पाना चाहते हो या श्राप। आज अधिकतर विश्वासी भाई बहन अपने शब्दों की सामर्थ्य को नहीं जानते, इसलिए वो जीवन भर श्राप में रहते हैं और अंधकार की शक्तियों का शिकार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं बुरा हूँ, मैं बुरी हूँ, मेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता, मेरे जीवन में सिर्फ घटी रहती है, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता या हो सकती, मेरा कभी विवाह नहीं होगा, मैं अपने आप से नफरत करता हूँ या करती हूँ, मेरा पति कभी नहीं बदल सकता, मेरी पत्नी कभी नहीं बदल सकती, मेरी सास बहुत बुरी है, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता सब बुरे हैं, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मेरी कोई फिक्र नहीं करता, मुझे परमेश्वर ने बहुत बुरा बनाया है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा कभी भला नहीं हो सकता, मुझसे ये कार्य नहीं हो पाएगा, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे जीवन में कभी सफलता नहीं आ सकती। दोस्तों ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम खुद ही अपने शब्दों के द्वारा श्राप के अधीन हो जाते हैं। इसलिए असफलता, निराशा, बीमारी, गरीबी, रिश्ते का टूटना, इन सब श्रापों में हम जीवन भर फंसे रहते हैं। दोस्तों प्रतिदिन गलत अंगीकार करके हम अपनी आशीषों को खो देते हैं और आप और श्राप के अधीन हो जाते हैं। आइए आज से ही अपने शब्दों की सामर्थ्य को जानकर प्रतिदिन सही अंगीकार करें और अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें। प्रभु इन वचनों को सुने जाने और पढ़े जाने पर आप सभी को बहुतायत से आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड।